बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अब प्रियंका ने इस सम्मान से जुड़ी कुछ यादगार तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर पद्मश्री सम्मान के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसके साथ उन्होंने एक नोट लिखकर अपने लिए इसकी अहमियत बताई। प्रियंका ने लिखा, जब मैं इन तस्वीरों को देखती हूं और उन दिनों के बारे में सोचती हूं जब मुझे देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला था, तो अनगिनत यादें लौट आती हैं। निश्चित रूप से यह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि थी, लेकिन जिस चीज ने इसे खास बनाया था वो मेरे परिवार का आनंद और गर्व। मिलिट्री एंड बैकग्राउंड होने की वजह से मैं बता नहीं सकती कि इस तरह का सम्मान मेरे और परिवार के लिए क्या मायने रखता है। मेरी नानी, बड़े पापा, मेरी मम्मी, भाई, मौसी और मामी सब उस दिन मेरे साथ थे और आइकॉनिक राष्ट्रपति भवन देखकर रोमांचित थे। बड़े पापा अपनी यूनिफॉर्म में आए और उन्हें गर्व से चमकते देखकर मेरी समझ में आया कि वो क्या पल थे। मेरे डैड उस दिन नहीं थे, शारीरिक रूप से वो वहाँ नहीं थे, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ लेकर गई। वो मेरी यात्रा का हिस्सा थे और हैं। काम की बात करें तो प्रियंका हमें द व्हाइट टाइगर में नजर आएंगी। यह फिल्म दिसंबर में चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि जनवरी में नेटफ्लिक्स पर आएगी। राजकुमार राव भी इस फिल्म का अहम हिस्सा है। INS रिपोर्ट। Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.